जमीनी विवाद में गला रेत कर हत्या मामले में आक्रोशित लोगों ने अखाड़ा घाट सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। पुलिस ने की लाठीचार्ज। मुजफ्फरपुर में नौ धूर जमीन के लिए एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रविवार देर रात की है, जिसके बाद सोमवार की सुबह स्थानीय लोग और परिजनों ने करीब तीन घंटे तक सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया। सड़क जाम को मुक्त कराने के लिए कई थाने की पुलिस पहुंचकर बल प्रयोग करते हुए जाम को खाली करवाई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात गनौर सानी नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सोमवार की सुबह 11 बजे से लगभग 2.5 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम किया जाता है। आपको बता दें कि जैसे इस घटना की जानकारी रविवार की देर रात अय्यापुर थाना की पुलिस को लगी थी, मौके पर अय्यापुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर जांच में जुट गए थे। हालांकि इसके बाद आक्रोशित परिजन आरोप लगाते हुए स्थानीय ही रवि सानी पर आरोप लगाते हुए आज सड़क को जाम कर दिया, जिसमें घंटों तक सड़क जाम रहा, जिसमें एम्बुलेंस सहित अन्य गाड़ी का आवाजाही पूरी तरह से बाधित रहा, जिसके बाद अय्यापुर थाना की पुलिस के साथ साथ कई थाना की पुलिस यहां पे पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर जाम को खाली करवाया। सबसे पहले तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार थे, देखिए कि पुलिस की तैनाती अभी है। अय्यापुर का ये मुख्य इलाका है शेरपुर का, जहां पर अभी पुलिस बल की तैनाती है और पूरी तरह से जाम को प्रशासन के द्वारा क्लियर करवा दिया गया। जो जाम लगा हुआ था, लोग जो उत्पाद मचा रहे थे, उन सभी को पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर यहां से भगा दिया गया और जाम मुक्त करा दिया गया। हालांकि अब पूरी तरह से वाहन जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। हालांकि कल रात को जो घटना हुई है, इसके बारे में आपको बता दें कि कल रात को गनौर सानी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद परिजन का आरोप लगाते हैं कि स्थानीय रवि सानी का जमीन का विवाद चलता है, जिसको लेकर उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद पुलिस छानबीन में जुटती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने तीन लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ इस मामले में कर रही है। लेकिन उसके बाद सनी सोमवार की बात करेंगे तो परिजन आक्रोशित होकर सड़क जाम कर देते हैं और इंसाफ की मांग करने लगते हैं। हालांकि अब जाम मुक्त हो चुका है। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं परिजन और इस पूरे मामले पर अय्यापुर थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। रात में आया, पहले से आता था, उसके बाद वो आता था यहाँ पे और वो देख कर चारू कत्ता घर के पीछे रहता था। उसके बाद हम लोग जागे हुए रहते थे, उसके बाद अगर रात में आया तीन आदमी से गला रेत करके हत्या कर दी। अरे जमीन बर्बादी है, दलाल साहब कहता है जमीन बेचो, खाली करो घर, बाल बच्चेदार वाला आदमी है, जमीन कैसे बेचेगा? बगले में के दलाल है, उसे कहा किया जो समिति तक कले चहेटा किया है मछली मंडी में, हमको रुपये मिला है जब मतलब समिति तक लाया तो हम सब बचवा उछवा दिए, कहा जो तो साले तोरा जब्बा कर देंगे, घर खाली कर दो, हमको जमीन दे दो। कलो भी बोला हाँ, 15 दिन 20 दिन पहले जो है सब मारा है घर में घुस के और गोली उली चला दिया है, फायरिंग किया चलाया है, डायना में लगा हुआ, मेडिकल में भर्ती था हमारे बड़की पुतो जो हम उसको मामा लगते हैं, है ना, तो गोली उली चलाया था, थाना सुनवाई उनवाई नहीं लिया, बहुत पेपर उपर मिला, पैसा उसा खा के जो है ना थानेदार सुनवाई उनवाई नहीं, हाँ हाँ पहले से हाँ मरता है। ये जो रवि सैनी जो जमीन लिखा है बहुत तेजी है, ये कहना है कि पुलिस के पास पहले भी तो गए थे, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें ही पार्टी उसकी भी छानबीन की जा रही है। काफी देर तक सर सड़क जाम की गई है, बवाल भी किया गया, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है, लौटारी कार्रवाई की एम्बुलेंस के भी लौटा दिया गया, उसके लिए अलग कार्रवाई की जाएगी। जो जाम जो करने वाले हैं असामाजिक तत्व है,
उनको नहीं छोड़ा नहीं, लाठीचार्ज हटाने के लिए जो असामाजिक तत्व है इसलिए हल्का फुल्का किया गया, ऐसा किसी को नहीं कराया गया, नाम क्लियर करा दिया गया। इसमें तीन प्राथमिकी दर्ज की गई, उसमें तीन आदमी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है डेड बॉडी को। मरीन ड्राइव रोड के समीप मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया।